अपनी गुफ्त को खत्म करूंगा कि कोई भी सूफी संघर्ष पैदा किसी एक कौम का नहीं होता है, किसी एक सूबे का नहीं होता है, किसी एक मुल्क की सीमाओं में महदूद नहीं होता। अगर वो आता है वो जीता है वो मरता है पूरी कायनात के लिए। इसलिए हजरत अली को मलाए कायनात कहा, इसलिए पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं रहमतुल आलमीन कहा। तो आप इस बात को अपने दिल में उतारें और मैं भी उतारता हूं। हम जिन्हें भगवान श्री राम कहते हैं उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, ऐसे ही उन्हें मौलाए कायनात कहा गया। तो राम जितना हमारे हैं उतना ही तुम्हारे हैं और मौलाए कायनात जितना तुम्हारे हैं उतना ही हमारे। मैंने उनकी शान में कुछ लिखा उसे पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। अगर मेरी बात आपके दिल तक जाए तो दुआ देना। समी से थोड़ा सा नाराय खदरी कि मेरे सीने की धड़कन है मेरी आंखों सितारे हैं। सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। मैं जो कहने जा रहा हूं आपके दिल तक पहुंचे तो नारा भी उसी जुनून से लगना चाहिए, जोश के साथ लगना चाहिए। जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत
का हर एक इंसान को सिखाया, हर एक इंसान सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखाया, रिज़्क चींटी को भी बख्शा दीन दुनिया। चींटी को भी बख्शा दीन दुनिया में फैलाया, हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अगर मुझ पर गाना है तो दरवाजा
शुक्रगुजार हूँ बहादुर अब्बास का, अंजुमन हैदरी के तमाम नौजवान साथियों का जिन्होंने मुझे इस मुकद्दस मौके पे बुलाया। मैं तो बहादुर अब्बास से कहता हूँ कि तुम्हें बहादुर लगाने की जरूरत नहीं है, अब्बास अपने आप में ही बहादुर। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं साहब हम पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, नवासों को थोड़ा कम मानते हैं, अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं होता नहीं हूँ, तुम्हें कहने में क्या डर है भाई? जब मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, ये गुलदस्ता है मोहब्बत की जोर से बना है, हमें इसे संभाल के रखना है। अगर ये मोहब्बत की जोर टूट गई तो गुलदस्ता बिखर जाएगा। देश है, ये देश हमारा है, इसको संभालना भी है, ताकतवर बनाना है, पूरी दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए। शुरुआत करता हूँ अपनी बात से, कौन समझाए कि शब्दों को अंश पानी पे दर्द नहीं होता, दर्द बढ़ के दवा तो होता है, दर्द बढ़ के हुनर नहीं। वो हमारे मजहब से इंसानी से जो भटके हुए लोग हैं, इंसान होकर जो इंसानियत का के दुश्मन बने हैं, यहाँ जितने भी मौजूद बैठे हैं सभी आदि फसल लोग हैं, उन्होंने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से उसको कंडम किया है, उसका विरोध किया है। जितने यहाँ साहिबान बैठे हैं इन्होंने सिखाया है हम जैसे लोगों को। मुझे लगता है किसी भी मजहब का जो अब तक पढ़ा है, अब तक सुना है, किसी मजहब का जो आधार है, बेस है, इंसानियत, हिंदी में कहे तो मानवता और अहिंसा है। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि हम इंसान होकर इंसानियत को कत्ल करें। कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ परिस्थितियों से, कुछ वहां के हालात से भटक जाते हैं। मजहब और मजहब के मानने वाले, मजहब के पैरोकार कोशिश करते हैं कि उन लोगों को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें और कर भी रहे हैं। यहां बैठकर इन सारी चीजों का इल्म होता है, जानकारी मिलती है कि जितने यहां लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं आए हैं, वो सभी अपने दिल में इस चीज को बसाकर लाए, इस चीज को लेकर आए हैं कि जो भी सीरिया में जो हो रहा है हम सब उसको बड़ी दुखदायी घटना मानते हैं, सब लोग उसकी निंदा करते हैं, सब लोग उसको कंडम करते हैं। इससे गंदा मिलाकर इस जो परिस्थिति निर्मित हुई है, ये जो स्थिति हमारे सामने आई है, तो हम उसका मुकाबला करें इंशाल्लाह। मुझे इंशाल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि परमात्मा से, खुदा से, कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये नियामत बख्शे कि हम जो इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से इसका मुकाबला करें। ऐसी मेरी मंशा है, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश के लिए मैं अल्लाह ताला से एक गुजारिश करता हूँ कि मुझ जैसे अदने से एक आदमी को वो भी एक हिम्मत दे कि मैं भी खड़ा होकर आप जैसे लोगों के साथ में, आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूं। ऐसे भी मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला से मैं गुजारिश करता हूं कि हम सब लोगों को एक हिम्मत दे और ताकत दे। खुदा हाफिज़। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं।
हुजूर आबदी साहब, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, समझ कर तो फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, फलक से जो उतर आया जमी का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। और मेरी दिल की बात आपके दिल तक जाए तो जरूर मुझे दाद दीजिएगा कि फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है, नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को, वो आप ही के मौला नहीं, मौलाए कायनात कहा गया है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और मेरी बात आप तक जाए तो जरा मुझे दिल खोल के दुआ करना, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली, मौला अली मौला मेरे मौला मेरे मौला, हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता, लगे हो लाख। मैंने निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद में जब मैंने एक प्रोग्राम में मैं गया, मैंने पढ़ा तो कुछ फैनेटिक ताकतों ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुसलमानों के धर्मगुरु हो गए, हिंदुओं से वास्ते ही खत्म हो गया है। ठीक है ना, तैयार रहो, हो सकता है उधर आ जाऊं। विवेक बंसल बड़ी गौर से देख रहे हैं मेरी तरफ को।
कि समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालो अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अली वालो अली के इश्क की ये दास्तां सुन लो, अगर अली का जिक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता।